गाजीपुर से प्रदीप दुबे पत्रकार की रिपोर्ट। दुबे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। गाजीपुर खानपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शून्य ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मामले में मृतका सानिया के पिता राजेश सिंह, मां नीलम सिंह और भाई दीपक सिंह समेत अवधराज सिंह, अंकित सिंह को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त राजेश सिंह जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि 1 महीने पहले मुझे और मेरी पत्नी तथा लड़के दीपक सिंह को पता चला कि मेरी लड़की सानिया सिंह का बगनौली निवासी अजय कुमार यादव के प्रेम प्रसंग चल रहा है और दोनों 2 साल पहले कोर्ट मैरिज कर लिए है। मैंने अपनी लड़की को काफी समझाया बुझाया लेकिन वह नहीं मानी। इस बीच सिपाही अजय कुमार यादव छुट्टी पर घर आया तो हम लोगों ने लड़के को घर बुलाकर समझाने की सोची। इसके लिए लड़की सानिया से मोबाइल फोन पर मैसेज कराकर लड़के को बुलाया। इसी दौरान लड़की के न मानने पर आवेश में आकर पिता राजेश सिंह ने अपनी लड़की को गोली मार दी। कुछ देर बाद अजय भी पहुंच गया जिसे काफी समझाने की कोशिश की गई पर वो मानने को तैयार न हुआ तो उसे कहीं एकांत में ले जाकर बात करने की योजना बनाई गई। अभियुक्त राजेश ने बताया कि हम लोगों रामपुर पहुंचकर सिपाही अजय कुमार यादव को भी गोली मार दी। बाइक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह दर्ज कराई है। इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, कॉम्बिंग भी कराई गई, स्टेशन रोडवेज आदि स्थानों पे भी देखा गया और जो जहाँ पे वो लड़की रहने वाली थी उनके घर उनके आसपास भी खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चला। 23 तारीख को प्रातःकालीन लड़की के अपने ही घर से सटे हुए अहाते की दीवार से डेड बॉडी मिली। उनके पिता ने सूचना दी, उस पर मौके पे पुलिस गई। जिस स्थान पे डेड बॉडी मिली थी उस स्थान की पहले छानबीन की जा चुकी थी, खोजबीन की जा चुकी थी। वहां पर 22 तारीख को कोई अवशेष इस प्रकार का नहीं था। इससे ये पता चला कि डेड बॉडी बाद में 22/23 मॉर्निंग में उसको वहां पे प्लाट किया गया है। डेड बॉडी जो बालिका की थी वो चादर से लिपटी हुई थी और उसके पास ही मृतक अजय यादव जिनकी 22 तारीख को गोली लगी थी, मृत्यु हुई थी, उनकी चप्पल वहां से बरामद हुई। पूरी टीमों ने तहकीकात किया और जो कॉल डिटेल्स थी, जो SMS थी मृतक अजय यादव के टेलीफोन का, लड़की के टेलीफोन का, उनके परिजनों के टेलीफोन का, सारा इन्वेस्टिगेशन SPCT गाजीपुर के नेतृत्व में किया टीम ने और यह खुलासा किया कि उस लड़की के परिजनों ने ही इनको बुलाया और घर पर जब पहुंचे तो इनको बातचीत करने के बहाने से सुनसान स्थान पर लेकर के गए जहां पे इनको गोली मारी गई और लड़की को भी गोली मारी और उसकी डेड बॉडी घर में ही छिपा दी थी। पुलिस का दबाव देखते हुए डेड बॉडी को ये कहीं भी डिस्पोजल नहीं कर पाए। गुमशुदगी जानबूझकर प्लान के तहत ऑनलाइन रजिस्टर कराई। इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो समस्त खुलासा हुआ। इस प्रकार के संबंधों को इनके लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था और इन लोगों ने लड़की की भी हत्या की और लड़के की भी हत्या की। इस संदर्भ में जो संलिप्त अपराधीगण थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या अन्य बिंदु है, अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, इस संदर्भ में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।